राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आरिफ मोहम्मद खान समेत 5 राज्यपालों की नियुक्तियों और तबादलों पर मुहर लगा दी। पूर्व सीएम राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहे आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल बनाए गए हैं। कलराज मिश्र अब हिमाचल की जगह राजस्थान के राज्यपाल होंगे तो भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का राज्यपाल, बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश और डॉक्टर टी सुंदर राजन को तेलंगाना का गवर्नर बनाया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड लंबे दिनों से इस इंतजार में था कि किसी तरह स्विस बैंकों से गोपनीयता का दौर समाप्त हो ताकि वहां जमा काले धन की जानकारी मिल सके। अब वो दौर आ गया है। स्विस बैंकों में 1 सितंबर से गोपनीयता का नियम हटने के बाद भारत आसानी से खाताधारकों की जानकारी जुटा सकेगा। नया मोटर व्हीकल कानून लागू हो गया है। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 10 गुना तक ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आधी रात को ही दिल्ली के कई इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। कई लोग ट्रैफिक नियम तोड़ते नजर आए जिन पर पुलिस ने जुर्माना लगाया। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट आने की वजह से दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक है। जीडीपी की 5% पर पहुंच जाना इसी बात का संकेत है। देश मंदी के भंवर में फंस चुका है। सरकार के मिसमैनेजमेंट से हालात बुरे हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बेतुका बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमान आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे हैं। अति उत्साह में दिग्विजय यहां तक बोल गए कि बीजेपी और बजरंग दल को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से पैसे मिलते हैं। किरकिरी होने पर दिग्विजय सिंह ने सफाई जरूर दी कि उनके कहने का मतलब कुछ और था। पश्चिम बंगाल की ममता से ममता बनर्जी ने असम में एनआरसी से करीब 19 लाख लोगों को बाहर किए जाने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पहले मुझे एनआरसी की नाकामी की जानकारी नहीं थी। ममता ने कहा कि सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि असली भारतीयों को इसे बाहर नहीं किया जाना चाहिए। हमारे सभी वास्तविक भारतीय भाई और बहनों के साथ न्याय होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बैरकपुर से बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर अपनी कार में तोड़फोड़ किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तर 24 परगना जिले के श्यामनगर में टीएमसी समर्थकों ने तोड़फोड़ की। जीटीबी अस्पताल में एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक जीटीबी अस्पताल परिसर में 8वीं मंजिल से कूदकर एक डॉक्टर ने जान दे दी। डॉक्टर की शिनाख्त पल्लव सहारिया के रूप में की गई है। पुलिस को हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है। सबीना पार्क में खेले जा रहे दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा दी। बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली हैट्रिक ली। ऐसा करने वाले वो तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं। उनसे पहले हरभजन सिंह और इरफान पठान टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ले चुके हैं।